गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 11 मनीष एंड द बर्ड, बेबी बर्ड के ग्रामर पोर्शन को देखेंगे। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन को समझ लिया, सेकंड वीडियो में हमने न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स को भी हमने देख लिया था, आज हम इसके वोकैबुलरी में जाएंगे। तो देखिए, फिफ्थ है वोकैबुलरी। फर्स्ट क्या दिया है, ए नंबर में दिया है, फर्स्ट अरेंज द वर्ड अल्फाबेटली ए गिव इन द डिक्शनरी, देन फाइंड द मीनिंग ऑफ देम फ्रॉम द डिक्शनरी, है ना। तो क्या करना है, शब्दकोश को देखकर दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रमांक के अनुसार जमाओ और उसका अर्थ लिखो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये देखो, एबल, एबल का क्या होता है, योग्य। एवरी का क्या होता है, हर कोई। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब। वेप का मतलब हाथ से इशारा करना। केयर का मतलब होता है सेव। परहैप्स का मतलब होता है शायद, और टुगेदर का मतलब होता है मिलकर, ठीक है, है ना। ये देखिए दिया हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको भी बताया, बी ए फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। तो देखिए, ऑपोजिट मतलब उल्टा, है ना, कहानी के निम्न शब्दों को, विलोम शब्द को हमको यहाँ पे खोजना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नियर का फार, बिग का स्मॉल, मतलब नियर का पास का दूर, बिग का स्मॉल बड़े का छोटा, कम का गो आने का, है ना, आना, और कम का गो, हैप्पी का अनहैप्पी खुशी का, दुखी, अंडर का ओवर, और अप का डाउन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ थिंक डैट यू आर अ बेबी बर्ड, यू आर डिस्प्लेइंग योर एक्सपीरियंस टू यू मदर, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, और इनको सही क्रम में जमा कर हमको लिखना है। तो मदर, डू यू लाइक, आई फेल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, मतलब मैं नेस्ट से गिर गई हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आई फेल डाउन फ्रॉम द नेस्ट, मनीष कम एंड पुट मी, मतलब उठाना, पुट मी अप एंड नेस्ट मी बैक, एंड नेस्ट मी बैक इन द, यहाँ पे आएगा अप एंड पिक्ड मी आएगा यहाँ पे, PICKED, पिक्ड मी बैक इन द नेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, माई ब्रदर ऑल्सो थैंक्ड मनीष, THANKED, थैंक्ड मनीष। सिक्स्थ स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, ए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड चेंज द सेंटेंस इन टू प्रेजेंट टेंस, मतलब हमको प्रेजेंट टेंस में इसको बदलना है। मनीष वॉज 8 ईयर ओल्ड, ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वन डे ऑन हिज वे बैक होम ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री टू टेक सम रेस्ट, डैट वी सॉ अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री, इट वॉज वेरी स्मॉल एंड अनेबल टू फ्लाई, इट वॉज मेकिंग अ स्ट्रेंज साउंड, इट वॉज टू क्राई। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटेंस को हमको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में हमको बदलना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मनीष इज अ 8 ईयर ओल्ड, ही गोस टू स्कूल एवरी डे, वन डे ऑन हिज वे बैक होम ही स्टॉप नियर अ ट्री टू टेक सम रेस्ट, देयर ही सॉ अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री, इट वॉज वेरी स्मॉल एंड अनेबल टू फ्लाई, इट वॉज मेकिंग अ स्ट्रेंज साउंड, परहैप्स इट वॉज क्राइंग, है ना। उसके बाद बी दिया है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड राइट अ नंबर इन द बॉक्स टू शो द करेक्ट ऑर्डर टू द सेंटेंस, मतलब इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है जो जो स्टोरी में दिया हुआ है। तो सबसे
पहला क्या है? मनीष स्टॉप नियर अ ट्री ऑन हिज वे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड आ जाएगा मनीष सॉ अ बेबी गर्ल बेबी बर्ड अंडर द ट्री, ये आ जाएगा सेकंड। थर्ड नंबर आ जाएगा मनीष पिक अप द बेबी, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर जो मनीष क्लाइमर द, ये हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ हो जाएगा इन द नेस्ट वाला सेकंड लास्ट, और वन नंबर हो जाएगा, और सिक्स नंबर हो जाएगा पहले वाला, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, फन टाइम है ये हमारे लिए। यूजिंग द पिक्चर टू कंप्लीट द पज़ल, मतलब हमको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे ये देखो फिश है, तो FISH फिश, ठीक है। उसके बाद ये पिज़्ज़ा है, तो PIGEON, तो ये देखो इसने के SNAKE, एलिफेंट ELEPHANT, और ये हैन है HEN, हैन। थैंक यू।